हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर, आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरी स्टूडेंट आ चुकी हैं जिनका आज फोर्थ डेज है। क्या नाम है आपका? ओके, कौन सा डेज है आज आपका? फोर्थ डेज। आज क्या सीखने वाले हैं? आज देखते हैं, जो आप बताइए। ओके, चलिए। अभी कल आपने क्या सीखा था? स्टॉप करना, फर्स्ट गियर में गाड़ी को स्टॉप करना और बढ़ाना। आज थोड़ा सा हम फास्ट चलाएंगे। हाँ। गाड़ी को कंट्रोल कैसे करते थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि अभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ हालांकि आप चला चुके हैं, लेकिन और बेटर तरीके से कैसे हो पाएगा। तो आप अपना सीट बेल्ट वगैरह बांध लीजिए, साइड मिनर एडजस्ट कर लीजिए, लुकिंग ग्लास वगैरह सारी चीज़ पैंडल अपने एडजस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको चलाने में दिक्कत ना आए। चाहे तो आप ग्लास नीचे उतार सकते हो। गुड, पैर आपके प्रॉपर कंफर्टेबल हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा प्रीति जी की, और तीन वीडियो पहले मैं शूट कर चुका हूँ, चौथी वीडियो आज है। ये 15 डेज तक ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अभी तक मैंने किसी स्टूडेंट की 15 डेज तक कंटिन्यू वीडियोज़ नहीं बनाई, बट अपडेटेड का क्या है कि फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, कैसे कैसे डे बाई डे कैसे इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो अभी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगी, सबसे पहले आपने गियर चेक करना है। गियर चेक, पैर आपके रेडी है? हाँ। सही तरीके से? हाँ। स्टीयरिंग और सीट आपकी कंप्लीट है? हाँ। चलिए स्टार्ट करिए फिर गाड़ी। गुड, गियर डालिए। गुड, राइट का सिग्नल दीजिए, दे दिया ऑलरेडी। हाँ। सीधा जाना है हम लोग को। अभी एक काम करिएगा, जहाँ लेडी झाड़ू मार रही है इससे पहले लेफ्ट आओ, मैं बताता हूँ। और लेफ्ट आ जाओ, यहाँ से यू टर्न मारना है। अभी मैं बताऊँगा। और थोड़ा लेफ्ट, हल्का नीचे टायर, राइट रखो, राइट राइट, थोड़ा सा राइट था। हॉर्न मारो बच्चे को, और जाना है लेफ्ट आओ हल्का, बस पूरी काट दो राइट, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी फुर्ती से। और काटो राइट, नहीं तो कट नहीं पाएगी क्योंकि स्पेसिस कम है। जाने दो, अब जाने दो। हाँ जाओ 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 जाओ, कट गई, वेरी गुड। अगर नीचे नहीं उतारते आप तो शायद एक राउंड में ये नहीं कट पाती। बढ़ाइए, मुझे लग रहा है सीट आपकी ज़्यादा आ गई आपकी हाइट के हिसाब से। आपके घुटने एकदम देखो कितने मुड़े हुए हैं, या ठीक है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है? चलिए बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, वेरी गुड। ये यू टर्न इसलिए मैंने करवाया क्योंकि रूट चेंज करना था आज। तो अभी आपको सीधा जाना है, स्पीड बढ़ा के क्या करना है, सेकेंड गियर डालिए। गुड, वेरी गुड, जाने दीजिए। जिस वक्त हम गियर चेंज करेंगे तो आपका हाथ कहाँ होगा? 12 o'clock पे, 12 पे। सामने से ट्रक आ रहा है, ध्यान रखिएगा। हम लोग आज रूट चेंज करेंगे, स्पीड मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से सीधा हम जाएंगे, भी खुरम नगर चौराहा आएगा तो वहाँ से थोड़ा सा हमको हल्का सा रॉन्ग साइड लेना है। मतलब वो उसके लिए या तो फिर 2 किलोमीटर घूम के आए, या तो थोड़ा सा कटे मंदिर के पीछे से, बंदे वाले रोड पे चलेंगे हम। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अब विकास नगर से जाके वापस बंदे वाले रूट से आ सकते हैं। लेफ्ट आ जाइए, सामने ट्रक आ रहा है, स्पीड कम करिए, ब्रेक पे पैर लाइए। हाँ जाने दो, बढ़ा लीजिए स्पीड वापस। गुड, हाँ सीधा लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। अभी राइट का सिग्नल देना है आपको। हाँ गुड, और क्लच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए क्योंकि एक्सेलेटर के यहाँ कोई जाओ निकालो, टेम्पो काफ़ी दूर है, निकाल लो। हाँ थोड़ा लेफ्ट में भी ध्यान रखना है क्योंकि लेफ्ट ब्रेक मारो, ब्रेक हल्का। हाँ जाने दो, जाओ जहाँ से ट्रैक्टर निकला है यहीं से आपको लेफ्ट लेना है, थोड़ा दूर से राइट से काटिएगा। हाँ ये थोड़ा राइट साइड, हाँ लेफ्ट लेके अब टर्न कर लो, फुल काटो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ये थोड़ा आपने लेट किया, हालांकि सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी सीधी करो, जल्दी जल्दी। हाँ ये ब्लाइंड टर्न है, दूसरी चीज़ ये हम रॉन्ग साइड से ले रहे हैं, ये थोड़ा सा कट है, हालांकि जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यू टर्न नहीं है। बढ़ाइए स्पीड, बट लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, स्पीड बढ़ा लीजिए। ब्रेक पे पैर टाइम पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक बार को एक्सीलेटर ना दबे चलेगा, और ब्रेक नहीं दबेगा तो गाड़ी टकरा सकती है, बंद भी हो सकती है। अब इनको हॉर्न मारिए, बस राइट से निकाल लो, राइट दबा के, वेरी गुड, जाने दो, स्पीड बढ़ाइए।
हाँ, अभी आपने बहुत जल्दी लेफ्ट दबा दिया। अभी जब आपने साइकिल वाले को ओवरटेक किया तो क्या आपने इस लेफ्ट वाली साइड मिरर में देखा? नहीं, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से आपकी गाड़ी 4.5 फीट पीछे लंबी है। तो जब आप किसी को ओवरटेक करते हो तो पहले आपको लेफ्ट वाली साइड मिरर में देखना होता है कि जिस गाड़ी को या जिस बंदे को आपने ओवरटेक किया है क्या वो आपकी गाड़ी से पीछे जा चुका। अब यहाँ से राइट का सिग्नल दो। जी, नया वाला रोड है, समता मुलक वाला, बंदे वाला बाईपास निकला जो आगे से। हाँ, अब ब्रेक पे पैर रखो, थोड़ा लहराइए नहीं, आराम से चलाइए, घबराहट नहीं, बढ़ा लीजिए। अब इसमें एक लाइन में आपको गाड़ी रखनी है, ये जो बीच वाली लाइन है, इन लाइंस का क्या मतलब होता है आपको आइडिया है? थोड़ा है, 40 से ऊपर रहेंगे तो राइट रहेंगे। हाँ, और उससे अगर कम रहेंगे तो बीच में, और स्लो चलना चाहते हैं तो लेफ्ट, क्योंकि ये एक तरीके से हाईवे समझ लीजिए आप, बाईपास निकला हुआ है। तो अगर हम राइट वाली लाइन में चलेंगे और 40 माइनस चलेंगे तो लोग जो पीछे से आएंगे उनको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो भी ओवरटेक करता है वो राइट साइड से करता है। तो अगर हम 40+ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 40 माइनस चलते हैं तो उसके लिए हमें फिर लाइन चेंज करनी पड़ेगी, ताकि हमारी गाड़ी सीखने से या हमें गाड़ी चलाने से हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। अब स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ, अब एक्सेलेटर से ब्रेक पे पैर, क्लच दबा के थर्ड गियर, वेरी गुड, जाने दीजिए, स्पीड मेंटेन कर लीजिए, गुड। सीधा जाना है, बीच बीच में आप एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, पैर को आप मूवमेंट दे सकते हैं ताकि आपके माइंड में एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर की प्रैक्टिस होती रही। ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रेक लेना है, बस उसको टच किया, जैसे अभी ये टर्निंग आ रहा है, यहाँ पे आप ब्रेक पे पैर ला सकते हो कुछ सेकेंड के लिए, वापस फिर एक्सेलेटर पर ले जा सकते हो, जिसकी वजह से आपके माइंड में ब्रेक का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर ये आपको ऐसी आदत बनानी है, हैबिचुअल होना है कि ज़रूर अपने आप, जैसे अभी आप स्कूटी चलाती हो तो क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली हॉर्न सिग्नल है ना, और एक हाथ से भी आप स्कूटी चला लोगे, फ़ोन पे भी बात कर लोगे, क्योंकि आप उस पर आदत बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हो। हालांकि ड्राइविंग के टाइम फ़ोन उन अटेंड करना सही नहीं है, दुर्घटना घट जाती है, ज़रा सी नज़र हटी, लेकिन आदत, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि इसमें आपकी हैबिट बन जाए कि ब्रेक की जगह ब्रेक ही, सामने स्पीड ब्रेकर आए आपका पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक पे आ जाए, सामने स्पीड ब्रेकर आ भी गया बट आप इसको बचाना है, पूरा पूरा स्पीड ब्रेकर बचाना, लेफ्ट से पूरी गाड़ी निकालना ही, और इतना स्पेसेस है कि निकल जाएगी, बस और लेफ्ट, बस और लेफ्ट, अब राइट रखो फटाफट, बच गया आराम से, दोनों टायर आपकी स्पीड ब्रेकर से बच गए। तो ये होती है समझदारी, स्पेसेस था, हालांकि बाइक लेफ्ट में खड़ी थी, सामने साइकिल भी आ रही थी, थोड़ा टफ था पर हो गया। बढ़ा लीजिए वापस स्पीड, गुड, थर्ड गियर में थे, आपको वहाँ गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी भी अगर हम किसी को ओवरटेक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो लाइन चेंज कर सकते हैं, फिर उसके साथ टाइमली हमें लाइन वापस चेंज भी करना है कि जिसमें हमें प्रॉपरली चलना है। और हॉर्न आप 100 मीटर पहले अलर्ट करेंगे, सिग्नल 100 मीटर पहले देंगे, पासिंग डिपर देना है तो भी पहले देंगे, एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाना है तो भी थोड़ा पहले लाएंगे, ताकि मतलब अचानक कोई चीज़ आपको ना करनी पड़े, जो करें आप पहले से प्लान हो कि मुझे क्या करना है। स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए, हाँ 40+ जाइए, अब क्लच दबा के फोर्थ गियर सीधा सीधा, हाँ वेरी गुड। बट एक यहाँ देखो मिस्टेक करी आपने, ब्रेक पे पैर नहीं है, एक्सीलेटर आपका दबा रह गया, साउंड बढ़ गया, गाड़ी लहरा गई। अच्छा, गाड़ी भी लहराई आपकी और एक्सीलेटर भी दबा हुआ था। तो सबसे पहला काम है, जब भी आप गियर चेंज करें, गियर चेंज जैसे ही क्लच पे पैर जाए वो ब्रेक पे प्रॉपर आ जाना चाहिए, इसीलिए वो एडी आपको मैंने बोला है कि एडी के ऊपर पैर को ए और बी, ए और बी, ये कभी नहीं होना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि ब्रेक का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। हाँ ये चीज़ थोड़ी एडी अपनी और इधर, ये नहीं नहीं ब्रेक के सेंटर में, हाँ ये पोर्शन, क्योंकि आपका पैर थोड़ा सा लंबा है इस वजह से। हाँ स्पीड बढ़ा लीजिए, हाँ और बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, फिर मैं बताता हूँ, जो अभी मिस्टेक हुआ उसको सुधारना है। जाओ रेस करो, ये चौराहा आ रहा है इसको क्रॉस कर लो, यहाँ पे कई बार फास्ट गाड़ियाँ हॉर्न मारी है नॉन स्टॉप। हाँ अब इस चौराहे को क्रॉस किया आपने, अभी आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर लेके आओ, स्पीड कम करो, हाँ और कम करो, 30+ माइनस आओ, हाँ अब क्लच दबा के थर्ड गियर डालो, क्लच दबाओ, हाँ वेरी गुड। अब पहले क्लच छोड़ो अब एक्सेलेटर पे जाओ आप। अच्छा, हाँ ठीक है,
जब तक हम क्लच को रिलीज नहीं करेंगे एक्सीलेटर पे पैर लेके नहीं जाएंगे। अगर हमारा क्लच दबा रहता है और हम एक्सीलेटर को पुश कर देते हैं तो वहाँ पे क्लच प्लेटों पे लोड पड़ता है, गाड़ी साउंड करने लगती है, मगर बाद के एक्सीलेटर होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। वापस इस चौराहे को क्रॉस कर लेना, सर्वोदय नगर का ये चौराहा है, काफ़ी रस रहता है यहाँ, लेकिन अभी मॉर्निंग में खाली है तो आप निकाल सकते हैं। इस चौराहे को क्रॉस करके फिर स्पीड 40 से ऊपर जाएंगे, लेके राइट वाला पैर ब्रेक पे लाएंगे और सेकंड से थर्ड से फोर्थ गियर में आ जाना है आपको। बढ़ा लीजिए स्पीड, अब पहले 40 प्लस जाइए। हमेशा जैसे फोर्थ गियर 40 की स्पीड पे लगता है तो हमें 40 से और स्पीड थोड़ी बढ़ा लेनी, ताकि जब हम क्लच दबा के गियर डाल रहे हों उस टाइम हमारी गाड़ी 40 से नीचे ना जाए। अगर आपने 40 की स्पीड पे करके और क्लच दबा लिया तो जब आप गियर चेंज कर रहे होगे वो उस प्रोसीजर में आपकी 10 की स्पीड डाउन हो जाती है। अभी और बढ़ाइए, 40 प्लस जाइए और अब ब्रेक पे पैर लेके आइए, फट क्लच दबाइए और फोर्थ गियर, वेरी गुड। अब पहले देखो जरा सा ना गाड़ी लहराई और ना साउंड हुआ, क्योंकि टाइमली आपने ब्रेक पे भी पैर रखा और क्लच भी सही तरीके से दबाया, जिससे कि अभी ना तो गाड़ी लहराई, क्योंकि अगर ये स्टीयरिंग लहराएगी तो अभी ये खाली रोड है, जब बिजी रोड होगा तो अगर अगल बगल से कोई भी बाइक वाला निकल रहा है या साइकिल वाला तो आपकी गाड़ी लहरा जाएगी। और गाड़ी आपकी 12 फीट की लंबी, 5.5 फीट 6 फीट चौड़ी, तो ज़रा सा लहराने का मतलब है थोड़ा सा बीच वाली लाइन में लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ। और अभी आपके बगल से फॉर्च्यूनर निकल रही है, ठीक है। अभी आप हल्का सा गाड़ी लहरा के दिखाओ, देखो कोई है तो नहीं पीछे, थोड़ा लेफ्ट आके फिर राइट जाओ, थोड़ा लेफ्ट आके फिर राइट जाओ एकदम से, है ये देखो। तो ये जो गाड़ी की पीछे की लेंथ है, ये आपको लगता है कि हल्की लहराई है, ब्रेक लो और थर्ड गियर करो, स्पीड ब्रेकर है, क्लच दबाओ फटाफट, क्लच नहीं दबाया क्लच आपने, यहाँ पे देखो छोड़ो क्लच ब्रेक, छोड़ दो, ऊपर चढ़ जाना है आपको। नहीं, एक काम करो नीचे से ले लो, नीचे से स्पीड बढ़ाओ। अभी आपने यहाँ क्या मिस्टेक करी, आपने क्लच पहले आपने गियर को फोर्थ से न्यूट्रल कर दिया, उसके बाद आपने क्लच दबाया, तो ये गलती हमें नहीं करनी थी। हमें प्रॉपर तरीके से पहले क्लच दबाना है फिर गियर को निकालना है। और क्लच अगर हम नहीं दबाते तो हमारा गियर बॉक्स और क्लच प्लेटें दोनों डैमेज हो सकते हैं, जो कि आपका 35,000 प्लस खर्चा आएगा इस गाड़ी का। बाकी गाड़ियों का तो महंगा है, फॉर्च्यूनर हो और आपका स्कॉर्पियो वगैरह की तो 25,000 रुपये की खाली क्लच प्लेट ही है। तो जब भी हम गियर चेंज करेंगे उससे पहले जब क्लच दबा लेंगे, जब श्योर हो जाएगा कि हाँ अब मेरा क्लच दब चुका है, और ये ज़्यादा देर का प्रोसीजर नहीं है, 2 से 3 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गियर सेकंड करेंगे पहले, अभी नहीं जाने दीजिए गाड़ी 10 मीटर पहले। अभी आप पूरा क्लच दबाएंगी, गियर सेकंड करेंगे, पूरा क्लच दबाइए, हाँ न्यूट्रल लेफ्ट लाके, वेरी गुड। अभी ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर पे क्यों ले गई आप, नहीं ले जाना था, सिग्नल दो लेफ्ट का, स्पीड डाउन करो और कम करो और कम करो और और बस अब आराम से नीचे जाने दो। ऐसी सिचुएशन में जैसे अभी आपने क्या करा, छोड़ो क्लच, अभी आपने जब गाड़ी नीचे ढलान से आप उतार रही थी तो आपने क्या करा था, पूरा क्लच दबाया। क्लच दबाने का मतलब है कि गाड़ी हमारी किसी भी गियर में नहीं है। जब हम पूरा क्लच दबा लेते हैं तो गाड़ी सेकंड गियर में थी, लेकिन फिर भी आपने क्लच से उसको इंजन को फ्री कर दिया, क्योंकि वहाँ स्पीड की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ ब्रेक की ज़रूरत थी। तो आपने वहाँ से ब्रेक से आपको जितना डाउन करना था आपने ब्रेक को उतना रिलीज़ करा, गाड़ी नीचे उतर गई, तो ये परफेक्ट तरीका था। कई बार जब हम चढ़ाई पे होते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सेलेटर लेना होता है, जब हम डाउन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा क्लच लेके फिर ब्रेक ले लो, ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करो। हाँ जैसे मैंने उतारी थी गाड़ी, ठीक है, तो मैंने ब्रेक लिया था हल्का, हाँ क्लच भी दबा रखा था, पूरा क्लच आपने फुल दबा रखा था, वो जरूरी था, उसी के बारे में बोल रहा, क्योंकि क्लच जब तक पूरा, अगर आप क्लच नहीं दबाती खाली ब्रेक मारती तो गाड़ी आपकी बंद होने के चांसेस हो जाती, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में थी, सेकंड गियर को 20 की स्पीड चाहिए मिनिमम, तो अगर आप क्लच को रिलीज कर देती और स्पीड आपकी वहां पे 10 की आ गई थी तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाती। तो जब आपने क्लच दबा लिया पूरा तो गाड़ी सेकंड गियर में होने के बाद भी वो समझ लो डीएक्टिवेट हो गई, वहां से गियर को, गियर हट गया आपका, इंजन फ्री हो गया। तो आप चाहे उसको 5 की स्पीड में उतारती, चाहे 10 की स्पीड में उतारती, चाहे 0 की स्पीड में उतारती, वो कोई मैटर नहीं था, क्योंकि गियर वहाँ हाँ फुल क्लच दबा रखा था आपने गियर में होने के बाद भी, क्योंकि वहाँ ढलान था तो ढलान पे गाड़ी अपने आप भागने लगती है। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, चलिए वेरी गुड। अभी फिर गलती करी आपने, फिर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हैं, जो आप स्कूटी वाली फीलिंग आ जाती है आपके अंदर की, ज़रा सा
निकले और फट लाइन चेंज करी। आपको हमेशा किसी भी गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हो तो सबसे पहले अपने लेफ्ट वाला साइड मिरर कि दो मिस्टेक करी, एक आपने उस बाइकर्स को वो जो पैदल साइकिल चल रहे थे वो, एक अभी जो इसको आपने किया। सबसे पहले जब भी किसी को ओवरटेक करोगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना होता है, कोई गाड़ी सामने आए तो मैं बताऊं कैसे ओवरटेक करना होता है। जैसे सामने ऑटो है, ठीक है, ऑटो को जब ओवरटेक करोगे तो आप हॉर्न दोगे, ओवरटेक करने के बाद आप साइड टर्न कर गया वो, चलो कोई नहीं बढ़ाइए स्पीड, टर्न करने के बाद भी आपकी नज़र इस लुकिंग ग्लास में, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि वो गाड़ी, जब वो गाड़ी आपके एकदम पीछे आ जाए तब लाइन चेंज करनी चाहिए, और अचानक लाइन नहीं चेंज करनी चाहिए। हाईवे वाईवे पे तो पूरी पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है इस तरीके से, ट्रक वगैरह तो पूरी गाड़ी उड़ा देते हैं। पता लगा आपने आधी गाड़ी क्रॉस करी वो भी चल रहा है, या तो बंदा खड़ा हो तब चलता है, लेकिन वो भी अगर 10 से 20-30 की स्पीड में चल रहा है तो कुछ तो आपको कॉपरेट कर ही रहा है, तो वहाँ पे फिर पिछला हिस्सा आपका टकरा जाएगा। और जब भी किसी को आप ओवरटेक करके लाइन चेंज करें तो उसमें कम से कम उसकी और आपकी गाड़ी में कम से कम 3 से 4 मीटर का गैप होना कंपलसरी है, ठीक है। 3 से 4 मीटर जब आप सोच के चलेंगे तब 2 से 2.5 मीटर आप मेंटेन कर पाएंगे कि ताकि गाड़ी लहराए ना, पिछला हिस्सा कब टकरा जाएगा। और इसके लिए आपको इस लेफ्ट साइड मिरर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, पूरी गाड़ी आप थोड़ा वेट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, 5 मीटर 10 मीटर का गैप ले लो। हाईवे वगैरह पे तो काफ़ी फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे ये गलती होगी तो गाड़ी पलट जाएगी पूरी। जाने दीजिए। अब जैसे ये ठेला है, अभी आपके लेफ्ट से निकल रहा है, आप लेफ्ट वाली लाइन में आप देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की दूरी और गाड़ी के बीच का गैपिंग क्या था। ये चीज़ आपको जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अभी क्या करते हैं, वो इतनी गाड़ी निकलती है। नहीं, अक्सर होता है क्या है कि ये जो पॉइंट बना है ना, मेन गाड़ी का जो कॉन्फिडेंस होता है ये लेके हर इंसान चलता है। ये जो साइड मिरर लेफ्ट का लगा हुआ है, जब हम किसी मोड़ पे गाड़ी मोड़ते हैं या किसी पोर्च से गाड़ी निकालते हैं या हम कहीं टर्न करते हैं तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी निकल गई, अब हम काटेंगे तो गाड़ी हमारा पिछला हिस्सा बच जाएगा, नहीं टकराएगा। तो लेकिन जब हम ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करने के टाइम आप पूरी गाड़ी को क्रॉस कर जाओ, लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आगे ट्रैफिक हो या आपको टर्न करना हो तब लाइन चेंज कर सकते हो, आप सीधा सीधा जा सकते हो। स्पीड ब्रेक करें, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, स्पीड कम और कम एकदम स्लो करके, हाँ बस जाने दो, छोड़ दो क्लच और ब्रेक। अब जैसे यहाँ पे आपने पूरा क्लच दबा रखा था, अभी गाड़ी मैंने डायरेक्ट थर्ड से सेकंड करा दी, अभी पहले आप स्पीड मेंटेन करेंगे, अभी गियर नहीं चेंज करेंगे। अभी आप देखिए सेकंड गियर की होती 20 से 30, और अभी अगर आप 20 की स्पीड में थर्ड गियर डाल देंगे तो गाड़ी जर्किंग करके झटके मार के बंद हो जाएगी। पहला काम है हमको गाड़ी की स्पीड मेंटेन करना, जो कि 30+ जाना है, 35 या 40 तक जाना है। फिर अब आप ब्रेक पे पैर लेके आओ, क्लच दबा के थर्ड गियर, वेरी गुड। ओवर स्पीड हर बार, जैसे सेकंड गियर की स्पीड है 20-30, तो अगर थर्ड गियर में डालना है तो हमें 30 पे ही थर्ड गियर नहीं डालना, 30+ जाओ थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि जिस टाइम आप गियर चेंज करते हो क्लच दबा के उस टाइम में स्पीड आपकी डाउन हो जाती है। तो अगर हमें थर्ड गियर डालना है तो 40 तक ले जाओ, जब तक क्लच दबा के गियर डालोगे 30 तक मेंटेन रहेगी। अगर फोर्थ डालना है तो 40+ चले जाओ। तो इन 2-3 चीज़ों को लोगों को ये लगता है कि नहीं, 30 पे पहुँचे तीसरा गियर, जब आप गियर डालने लगते हो 2-3 सेकंड के लिए तो स्पीड आपकी बहुत डाउन हो जाती है। उस बीच में अगर आपने मेंटेन नहीं किया एक्सीलेटर को तो गाड़ी झटके मार के बंद भी हो सकती है। अभी पॉलिटेक्निक चौराहे से फिर हमको लेफ्ट जाना है। टर्निंग से 100 मीटर पहले सिग्नल देना है और अपना लेफ्ट रखना है, क्योंकि राइट जो है रेड लाइट होगी, लेफ्ट वाला का लेफ्ट का ओपन रहता है, खुला रहता है, लेफ्ट साइड की जो लाइट है वो ओपन रहती है। अब साइड मिरर में देखिए, साइड मिरर सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट में तो आप बैठे ही हैं, इधरी से लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट का हमेशा ब्लिंक करता रहता है क्योंकि लेफ्ट जो है ओपन है। अब इनको हॉर्न मार दीजिए, बढ़ा लीजिए स्पीड, लॉन्ग हॉर्न मारिए थोड़ा, ये ऑटो ऑटो निकाल, लॉन्ग रुको, अब न्यूट्रल करो उसको। देखा गड़बड़ हुआ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं पर आपको ये नहीं करना था, मैंने आपको पहले बोला था ना ये कि थोड़ा कंट्रोल, ओवर स्पीड थी। सबसे पहले आपको क्या करना था, गाड़ी अपनी कंट्रोल में लेनी थी। सामने भीड़ है, कुछ भी है, ये सब बेकूफ़ टाइप के हैं ऑटो वाले, ठीक है, ये ध्यान नहीं देते क्योंकि ये चारों तरफ से तो एंगल। अब इसको आप फर्स्ट गियर में करो, अभी कल ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी, नहीं तो उसको सीधा ले जाने की ज़रूरत है ना आपको। हाँ, ये चीज़ करनी है, जाने दो, चलो धीरे धीरे। हाँ, जब हमें रोड पे कोई ऑटो या रिक्शा दिख रहा है
तो आपको पहले से गाड़ी की स्पीड, आप थर्ड गियर में आपने गाड़ी मोड़ी है, थर्ड गियर अब तो नहीं, अभी जब आपने टर्न किया है तो थर्ड गियर थी आपकी गाड़ी, ठीक है, और जब आपने ऑटो को देखा था तभी आपको गियर डाउन कर लेना चाहिए था। गाड़ी को 100 मीटर पहले प्लान करना होता है चेंज करिए सेकंड गियर। जो कंट्रोलिंग है ना वो मेन है, अचानक अगर जरूरत पड़े तो आपको क्लच लेके तुरंत ब्रेक ले लेना है, अचानक जरूरत पड़े तो इतना होना चाहिए कि आपका इंजन भी ना बंद हो और गाड़ी कहीं टकराए भी ना, क्योंकि आपकी हाइट कितनी है, 5'7" जो आपकी हाइट से ज़्यादा, तो ये जो बोनेट है ना, ये आपको स्टिक दिख रही हो, देखो एक बोनेट पे लगी हुई है, दिख रही है, तो ये इसका एंड है, मतलब गाड़ी का जो बम्फर है आगे वहाँ पे लगी, उससे भी 1 फीट गाड़ी आगे और 1 फीट लेफ्ट साइड में है, तो हमें ये एरिया लेके चलना है। अभी जो कंडीशन थी तो आपकी गाड़ी ऑटो में ठुक सकती थी, अगर सही टाइम पे ब्रेक नहीं मारता मैं तो गाड़ी आपकी टकरा जाती, क्योंकि आपने दूर से प्लान नहीं किया। ऑटो वाला, आपको लगा कि ऑटो वाला रोक लेगा, पर ये लोग नहीं रोकते, सिग्नल बंद करिए, सिग्नल ऑटो कट होता है, स्पीड बढ़ाइए और अब क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए, वेरी गुड, सब कुछ सही था, बट जो आपने ऑटो के पास गाड़ी रुकी वो रॉन्ग था थोड़ा, वहाँ पे चांसेस थे भिड़ने के, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करके, और जब भी आपको डाउट हो, कभी भी डाउट हो किसी चीज़ को लेके, तुरंत क्लच लेके ब्रेक ले लो, सामने वाले को निकल जाने दो, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है, जल्दी का काम शैतानों का होता, और एक गाड़ी के पीछे लिखा था जिनको जल्दी थी वो चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं, आप सीख रहे हो, जितना स्लो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, रेड लाइट हो रखी, रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पे, देखो इसको हॉर्न मारो, हाँ बस धीरे धीरे बस जाओ, अब रोको इसको, इसको न्यूट्रल करो, हाँ न्यूट्रल करो, बस अब क्लच और ब्रेक छोड़ दो, आप आराम से रिलैक्स हो सकते हो, ब्रेक दबा के रख लो, क्योंकि रेड लाइट हो रखी है, ब्रेक इसलिए दबाना ज़रूरी, चलो गियर डालो, हाँ जाओ हल्का रेस लो, रेस हल्का सा, हाँ, और अब धीरे धीरे झटके से छोड़ा, मैम बंद हो गई गाड़ी आपकी, क्लच दबा के स्टार्ट करो, गियर न्यूट्रल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, हल्का एक्सेलेटर लेके रखो फिर क्लच छोड़ो, थोड़ा 10% रेस लेके रखो, और रेस लो, और अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। ये जो गाड़ी बंद हुई थी क्यों बंद हुई, क्योंकि आपने क्लच को बहुत जल्दी रिलीज कर दिया था, क्लच को इतना पहले नहीं छोड़ना, जब गाड़ी कम से कम आपकी 1 मीटर क्रॉस कर जाए फिर उसके बाद आपको गियर चेंज करना है, स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए, अब क्लच दबा के सेकंड गियर, फुर्ती से चीज़ों को करने का फटाफट, हाँ चाहो जो गियर चेंज करने का प्रोसीजर होता है वो 2 से 3 सेकंड, ठीक है, बढ़ाइए स्पीड, जाने दीजिए, और लाइन नहीं चेंज करना है आपको, मुंशी पुलिया से सीधा सेंटर की तरफ, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए, गुड, और आप गियर नहीं देखेंगी, जब आप गियर चेंज करेंगी तो ना तो एक्सेलेटर, ना क्लच, ना ब्रेक, ना गियर, नज़र आपकी एकदम सामने होनी चाहिए रोड पे, गियर को देखा नहीं जाता, अगर आप गियर देख रहे हैं तो फिर आगे वाले ने अगर ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, जब तक के भिड़ चुकी होगी गाड़ी आपकी, ठीक है, सीधा जाना है हमें, हॉर्न पहले दूर से मारा करिए, आप थोड़ा लेट अलर्ट करते हैं सामने वाले को, और हॉर्न ऐसे दिया जाता है, ऐसे कंटिन्यूस 2-3 सेकंड, मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से ट्रक गया वहीं से आपको लेफ्ट जाना है, और ये विक्रम जो ये ऑटो होते हैं और जो ये ई रिक्शे हैं, इनसे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि इनकी गाड़ी में चारों तरफ से एंगल लगे होते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बढ़ाइए स्पीड, हॉर्न मारिए इसको, जाने दीजिए, वेरी गुड, स्पीड मेंटेन कर लीजिए, बाइक वाले को क्रॉस कर लीजिए, आप 30 से 40 चल सकते हैं थर्ड गियर में, क्योंकि गला आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड में रोकना बढ़ाना बताया था, तो आज मैंने चलवाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, और गाड़ी आपने काफ़ी अच्छी भी चलाई, बस 2 जगह आपने मिस्टेक करी, एक जो पॉलीटेक्निक चौराहे पे जो ऑटो सामने आ गया था वहाँ बिफोर, अभी देखो बाइक वाले को ओवरटेक किया आपने, क्यों नहीं देखा लेफ्ट साइड वाले मिनर में, क्यों नहीं देखा, स्कूटी वाली फीलिंग मत लेके आया करो, किसी को ओवरटेक करने से पहले ही आपकी नज़र लेफ्ट वाले साइड मिरर में आ जानी चाहिए, कि आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से कितनी दूरी पे है, आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच का गैपिंग क्या है, कैसे जज करोगे आप कि आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी का कितना गैप है इस साइड मिरर से, ठीक है, और अगर आप ये चीज़ नहीं ध्यान दोगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड से टकरा जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड से टकराए,
जब भी किसी को ओवरटेक करो, ओवरटेक करने से पहले उसको हॉर्न देके अलर्ट कर दो, उसके बाद आपकी नज़र लेफ्ट वाले साइड मिरर में आ जाए, आप इसकी इससे भी देख सकते हो, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी गाड़ी कहाँ है। जैसे कुछ लोग हैं लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर, राइट साइड वाले मिरर नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं लुकिंग ग्लास को ही पूरा मेंटेन कर लेते हैं, इसी से पूरे लेफ्ट का राइट का जजमेंट ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है लेफ्ट साइड का, इसको आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। स्पीड बढ़ा लीजिए, जाने दीजिए, रेस करिए, 40 प्लस जाइए। बीच बीच में साइड विनर लेफ्ट राइट में नज़र हैवी डालनी है। अभी आपकी नज़र क्यों नहीं आ रही है? ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, पर अभी आदत नहीं है। राइट साइड में तो नज़र चली जा रही है, लेकिन लेफ्ट साइड के लिए नज़र नहीं जा पा रही है, जो कि लेफ्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट में तो आप बैठे हो, राइट में नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लेफ्ट का नहीं देखोगे, क्योंकि गाड़ी आपकी चौड़ी किधर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो ज़्यादा ध्यान किधर देना है? हमेशा कौन सी साइड बचा के चलना है? लेफ्ट, क्योंकि हमेशा हम राइट से ओवरटेक करते हैं, तो लेफ्ट का जजमेंट लेना है। आगे स्पीड ब्रेकर है, सेक्टर 25 चौराहा आ गया है ये, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है, क्लच दबा के सेकंड गियर करना है। हाँ, स्पीड डाउन करो, ये चौथा गियर है। हाँ, स्पीड और कम करो, ब्रेक से और कम करो, बस अब आप क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दो, दोनों छोड़ दो। हाँ, गाड़ी एकदम मक्खन से की तरीके से निकल गई। अब वापस बढ़ा लो आप, अगर आपने सेकंड गियर किया था जब थर्ड से, और मैं आपको नहीं बोलता ना कि ब्रेक और कम करो, तो आप उसी 30 की स्पीड में गाड़ी निकाल लेते, क्योंकि जब हम गियर चेंज करते हैं तो स्पीड नहीं कम होती है, हमें वो स्पीड ब्रेक से कम करनी होती है। बढ़ा लीजिए स्पीड और बढ़ाइए, जाने दीजिए। हाँ, हॉर्न मारिए इनको दबा के। हाँ, अब क्लच दबा के आपको थर्ड गियर डालना है वापस। गुड, वेरी गुड, वह बहुत बढ़िया, जाने दो, गुड, स्पीड मेंटेन कर लीजिए। हाँ, जाने दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड मेंटेन करिए और बढ़ाइए। सीधा जाना है, स्ट्रेट। अब जैसे ये देखो तो ट्रक खड़ा है, अब देखना लेफ्ट साइड में स्कूटी क्रॉस करी, लेफ्ट वाला देखना साइड, आपको पता चल रहा होगा कि आपकी गाड़ी से ट्रक के बीच का जो एरिया था कम से कम 4 से 5 फीट का था। यही चीज़ हमें सीखनी है, हमें यही चीज़ जजमेंट करना है। राइट तो आप बैठे हो, राइट नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट का अंदाज़ा होना चाहिए। मान लो कोई गाड़ी लेफ्ट में खड़ी है और वो गली 10 फीट की है और लेफ्ट में गाड़ी खड़ी है, अब वो 5 फीट जगह तो उसने घेर लिया है, एक टायर चलो उसने नीचे कर दिया तो 4 फीट जगह 3 फीट उसने घेर लिया। अब आपकी गाड़ी 6 फीट चौड़ी है, 6 × 3 = 9, 9 फीट हो गया, 1 फीट की जगह बचेगी, उसमें वो गाड़ी भी बचानी है आपको और अपनी गाड़ी निकालनी भी है, तो वो चीज़ कैसे आएगी? जब तक आपका लेफ्ट का व्यूज़ क्लियर नहीं होगा। आगे से राइट जाना है, वेरी गुड, राइट का सिग्नल दीजिए। हाँ, नहीं हुआ, दोबारा बंद करके ऑन करो। हाँ, जाने दो, अभी यहाँ से नहीं, गोल चक्कर घुमा के, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर, जाने दो आराम से। और टर्निंग पे ब्रेक पे पैर होना चाहिए आपका। हाँ, आराम से जाने दो, गुड, फिर वापस लेफ्ट का सिग्नल दो, फुर्ती से बच जाने दो, ताकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ये श्योर हो जाए कि ये गाड़ी लेफ्ट टर्न करेगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपने लेफ्ट टर्न किया उसके बाद लोग आपके लेफ्ट से निकलने लगते हैं, तो हमें जाना लेफ्ट है, तो टर्निंग जैसे ही टर्न करने लगे वापस हम सिग्नल लेफ्ट का दे दें, ताकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ये श्योर हो जाए कि ये गाड़ी लेफ्ट जाएगी, तो हमारे लेफ्ट से नहीं निकालेगा और राइट से निकालेगा, क्योंकि NH24 हाईवे है तो गाड़ियाँ बहुत फास्ट आती हैं, सुबह के टाइम वैसे भी खाली रहता है, तो लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं, इतना ध्यान देते नहीं हैं, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? बढ़ा लीजिए स्पीड, गुड, अभी चौराहा आ रहा है, चौराहे से फिर आगे से राइट जाना है आपको, और जहाँ से गाड़ी आपने ली थी वहीं पर स्टॉप करना है, गुड। अब ये सिंगल पुल है, अपनी गाड़ी लेफ्ट रखो, आप राइट क्यों ले जा रहे हो, रॉन्ग साइड जा रहे हो ना, आपकी गाड़ी गलत गई। अगर सपोज करो अभी सामने से ट्रैक्टर या ट्रक आ जाता तो क्या पॉसिबल था? तो टर्निंग पे हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी लेफ्ट दब के जानी चाहिए। कुछ ब्लाइंड टर्न होते हैं जहाँ पे अगर आप राइट दबा के जाओगे तो सामने वाला भिड़ा देगा, क्योंकि भाई वो तो अपनी साइड से आ रहा है ना, गलत तो आप हो। अभी ट्रक के आगे वहीं गाड़ी लगानी है, ट्रक को जब अभी आप ओवरटेक करोगे तो लेफ्ट साइड मिरर में आपकी नज़र रहेगी,
सिग्नल दो, स्पीड और क्लच और ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो और स्लो करो, लेफ्ट साइड में आपको देखना, और लेफ्ट आओ, और ये ट्रक खड़ा है, यहाँ जाने दो, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, और लेफ्ट, और अब सीधी करो अपनी गाड़ी, हाँ पूरा क्लच, पूरा क्लच मैडम, नहीं दबाया था आपने पूरा क्लच, अब दबाया है। तो देखो ये होता क्या है कि जब पूरा क्लच का मतलब ये होता है जब गाड़ी आपको रोकनी तो पहले से क्लच दब जाना चाहिए, आपने बहुत लेट दबाया, पहले हाफ क्लच दबाया, जब मैंने कहा पूरा क्लच पूरा तब दबाया। तो हमें जब इंजन को प्रॉपर तरीके से फ्री करना होता है किसी भी गियर में तो कितना क्लच दबाना होता है, 100%। आपने भी कितना दबाया था, 70%। उससे क्या होता, अगर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लग जाता तो इंजन बंद हो जाता, तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। बाकी आपने काफ़ी बेटर चलाया, दो तीन मिस्टेक जो हुई है वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा मंडे को ना हो, कल ऑफ रहेगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा प्रीति जी ने, आज इनका फोर्थ डेज था और काफ़ी बेटर तरीके से आज मैंने इनको आधे घंटे जो चलवाया उसमें करीब 15 से 16 किलोमीटर इन्होंने चला लिया और 30 मिनट्स की कंटिन्यूस वीडियो बनी है पूरी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, आज थोड़ा मेरा दो तीन मिस्टेक हुई, आगे इंप्रूव करूंगी। ओके, बढ़िया एक्सपीरियंस है, अभी तक तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता तो ज़रूर बताएं। ओके ओके, आ जाइए, अब मेरे दूसरे स्टूडेंट आ चुके हैं और बाकी मंडे को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आइए बैठे, ये मेरे फोर्थ स्टूडेंट है, मॉर्निंग में मैं 4 लोगों को सिखा चुका हूँ, 5वीं मैडम जा चुकी है प्रीति मैम, 6 स्टूडेंट अभी बैठ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। सीट एडजस्ट कर लीजिए अपनी, हो गई प्रॉपर सीट, सीट बेल्ट डालिए। हाँ कैसे हैं अरिन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक्साइटेड है ड्राइविंग को लेके? आज आपका क्या टाइम रहेगा, 7 to 8। ओके मैम रेडी है, साइड मिरर देखा आपने, ये लेफ्ट वाला क्लियर है, लुकिंग ग्लास रेडी है ना, वापस इंजन ऑन करिए, बस पहला गियर डालिए, हाँ राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए आपका, ब्रेक पे, वापस धीरे धीरे क्लच छोड़िए, धीरे धीरे, पूरा नहीं छोड़ना है, बस धीरे धीरे, बस इतने पे पैर को रोके रहो, हाँ अब गाड़ी पहले मूव कर जाए फिर बाकी क्लच को रिलीज करना है, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ा लीजिए, अपना लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, क्लच को छोड़ो मैम, हाँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा प्रीति जी निकल गई चला के और आज उनका फोर्थ डेज था, बहुत अच्छा चलाया उन्होंने, 12 से 15 किलोमीटर चलाया उन्होंने और हाफ एन आवर के अंदर ही चलाया, काफ़ी बड़ा राउंड लेके गई हैं, इसलिए मैंने उनकी पूरी वीडियो शूट करी ताकि आपको डे वाइज जो इम्प्रूवमेंट दिखता रहे कि वो क्या चीज़ों को कर रही, आज एक दो मिस्टेक हुई हैं। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।